प्रशिक्षण प्रारंभ हो रहा है सिविल पुलिस का, पहले खेल शक्ति भी बढ़ेगी और जो आप देख रहे हो जो प्रशिक्षण करने के लिए हम यहाँ भी दे रहे हैं और जो यहाँ से हम जो उससे ले सकेंगे वो कैसा था सर आप हमारे पूरी कोशिश पीएसी के आत्मगौरव आत्मसम्मान को बढ़ाने की है। पीएसी का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और हर रोल में पीएसी ने अपने अंजाम दिया, रिजल्ट दिए। आगरा की धरती पर आज अगर हम यहाँ बैठे हैं तो ये पूरा आपको इस चीज से सभी संज्ञानी थे। वो दौर हुआ करता था दस्यु प्रभावित और कैसे दस्यु उन्मूलन में भी पीएसी ने अपने रोल प्ले की। अभी मैं सुबह से वाहिनी को भ्रमण कर रहा हूँ, शहादत की भी बहुत सारी इमारतें और पट्टिकाएं हमने यहाँ देखी। कोशिश यही है कि जितनी भी हमारी 33 वाहिनियां हैं जो नई चुनौती है उसमें अपने आप को तैयार करें। प्रशिक्षण पर विशेष जोर है, उच्च मनोबल उच्च अनुशासन के साथ एक उच्च कोटि की व्यावसायिक दक्षता हासिल करते हुए अच्छा प्रदर्शन। क्या परिवर्तन होने जा रहा है मतलब पीएसी खासतौर से स्ट्रक्चरल अगर बात करें? पीएसी एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यूपी पुलिस की आर्म्ड विंग है, स्ट्राइकिंग फोर्स है। विशेष परिस्थिति में जनपद पुलिस के सहयोग के लिए पीएसी रहती है और चाहे वो श्राइन सिक्योरिटी का विषय हो अयोध्या मथुरा काशी में वाइटल इंस्टॉलेशन ताज है, चाहे सामान्य जो हमारे एंटी राइट की चीजें हैं। कोशिश यह है कि हम हर स्थिति के लिए अपने को तैयार रहें। प्रशिक्षण पर विशेष जोर है, उपकरण हमारे पास दुरुस्त हैं, कुछ आधुनिक हथियार भी हमें प्राप्त हुए हैं, उनके प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है और आने वाले समय में आपको यकीन दिलाते हैं पीएसी जैसा प्रदर्शन करती रही है उसमें और उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए उच्च कोटि का प्रदर्शन। सर इस दौरे के दौरान क्या कुछ कमियां देखने को मिली, क्या कुछ कमियां नजर आई लगा कि जिनमें सुधार करने की जरूरत है? आने का पूरा उद्देश्य जवानों के साथ एक संवाद स्थापित करना, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को देखना, उनके स्तर को देखना और अपने अनुभव को साझा करना। जो ओवरऑल हमने देखा चीजें नियंत्रण में है और जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सुरक्षा के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कल रात हमने ताज की सुरक्षा को देखा, कल दिन में मैं मथुरा में था, जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबको अपना अपना थोड़ा रोल प्ले करना है। जो अवस्थापना से जुड़ी हुई एजेंसीज हैं, जो सामान्य प्रशासन है, जनपद प्रशासन है, मंडलीय प्रशासन है, उनको भी अपना रोल प्ले करना है और हम जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम अपने आप को हर स्थिति के लिए प्रोफेशनली बेहतर ट्रेनिंग के साथ तैयार करने की बात। तंत्र एक परिभाषित किया गया कि भीड़ तंत्र जगह जगह अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग एरिया का देखने को मिल रहा है, उससे भी ऐसे कैसे नहीं? वो अपने आप को फिजिकल फिटनेस प्लस ऑपरेशनल फिटनेस उस पर हमारा बहुत जोर है। हर जहां हर मन से यही बात की जा रही है कि हम अपने आप को फिजिकली फिट रखें और अपने रोल के बारे में अपने उपकरण की सही जानकारी रखें। जहां तक एंटी रायट का है, एंटी रायट के लिए हम लोगों ने विशेष कोर्सेज बनाए हैं और उस पर पूरा जोर है कि किसी भी दंगा की स्थिति बलवा की स्थिति से हम अपने आप को निपटने की।